Hey everyone, welcome back to the channel. This is Somer and guys, today I am sharing with you Raksha Bandhan makeup look. बहुत simple सा होने वाला, बहुत subtle सा है, but at the same time बहुत ज़्यादा beautiful है. So let's get started. सो गाइस, यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है. और मेक श्योर करें आप भी अपना फेस वॉश कर लें मेकअप करने से पहले. एंड अब मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो स्किन को प्रेप करने के लिए ना जो मैं पहला प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है टोनर. सो दिस इज़ द गुड वाइब्स टोनर एंड ये कुकुम्बर टोनर है. सो इसे मैं अपने पाम पे लेके जस्ट अच्छे से टैप टैप करके अप्लाई कर लूँगी. टोनर हमारे फेस के जो pH बैलेंस होता है ना उसे मेंटेन करके रखता है एंड ऑयल को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है, तो उसमें भी हेल्प मिलती है. सो टोनर यदि आपके पास नहीं है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं. देन इसके बाद मैं गुड वाइब्स की ही लिली ऑफ द वैली क्रीम यूज़ कर रही हूँ. सो नरिशमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड गाइस, आप चाहते हैं आपका मेकअप जो है ना एकदम फ्लॉलेस दिखे, तो इसका जो सबसे बेसिक स्टेप होता है ना ये यही होता है कि आप स्किन केयर ना बहुत ज़्यादा अच्छे से करें. तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ली है प्रोडक्ट की और अपने फेस पे ना बहुत अच्छे से इसे मसाज कर लूँगी, बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, थोड़ी देर मसाज करूँगी एंड डन. इसके बाद मैं लिप बाम अप्लाई करूँगी. सो हमारा स्किन केयर यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो गाइस, इसके बाद मेकअप के पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है प्राइमर अप्लाई करना. अब प्राइमर का काम क्या होता है, तो प्राइमर का काम ये होता है कि वो उससे ना हमारे जो भी ओपन पोर्स होते हैं ना वो मिनिमाइज़ होते हैं. जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि जो भी मेकअप हम अप्लाई करते हैं ना वो हमारी स्किन में नहीं जा सकते, क्योंकि ना प्राइमर एक लेयर का काम करता है. एंड गाइस, इसका जो थर्ड जो मतलब बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए वो ये है कि ये ऑयल को भी कंट्रोल करता है. तो इसे ना मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया और पूरे फेस पे अप्लाई किया है, सिर्फ टी जोन एरिया अपने मैंने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई किया है. सो डन. एंड बेस के लिए मैं यहाँ पे बीबी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ. तो ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम है. आप चाहो तो फाउंडेशन का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये रक्षाबंधन में मतलब डे में हम सेलिब्रेट करते हैं, राखी वगैरह डे में बांधते हैं, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा नेचुरल रखा है इस लुक को. तो मैं यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी मीडियम कवरेज आए, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज हमें नहीं चाहिए. सो इसलिए मैं आप अपने हिसाब से आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बीबी क्रीम यूज़ की है. सो इसे ना मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई किया है. नेक को आप ज़रूर से कवर करें, अदरवाइज़ ये इवन अनइवन लगेगा. सो पूरे फेस पे बीबी क्रीम को अप्लाई करने के बाद ना इसे अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है. तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्पॉन्ज सॉरी ब्रश का भी. तो मैं यहाँ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ. सो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ. सो ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप बीबी क्रीम को ही एज अ कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपको ज़रूरत ही नहीं उसकी तो आप ना यूज़ करें. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ भी मुझे अपनी स्किन को हाईलाइट करना है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है. सो इसे अप्लाई करने के बाद इसे अच्छे से उसी जगह पे हमें ब्लेंड कर लेना है. सो मैंने ये पॉइंटेड ब्रश लिया है, ये इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक बहुत अच्छे से जाता है, तो इससे कंसीलर वगैरह अच्छे से ब्लेंड होता है. तो मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है एंड अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है. नाउ आईब्रोज को फिल करने के लिए ना मैंने ये वाली आईब्रो पेंसिल ली है एंड इससे ना डाउनवर्ड्स अपने जो आईब्रो होती है ना उसके हेयर को कॉम कर लिया है डाउनवर्ड्स. देन ऊपर जो भी गैप होता है हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन अपवर्ड्स डायरेक्शन में कॉम करके देन इसे छोटे छोटे से स्ट्रोक्स में फिल कर लेना है. सो जो आईब्रो होता है ना ये मतलब फिल करना मेकअप की जान होता है, एक नई जान आ जाती है मेकअप में जब आईब्रोज़ को फिल करते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है. तो आप ना आईब्रोज़ को ज़रूर से फिल करें और अच्छे से फिल करना, एकदम नेचुरल रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं. यदि आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप आई शेडो से भी, ब्लैक या ब्राउन आई शेडो से अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं.
अब देख सकते हो ये वाली जो आईब्रो मैंने अभी फिल की थी वो कितनी नेचुरल लग रही है, तो सेम मैं इसी तरीके से दूसरी वाली भी फिल कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपना आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ, तो आप कोई सा भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं, मैंने अभी हेलेरी रूडा का लिया है। सो मैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग से ना हल्का सा पिंक कलर अपने आईज पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने पूरी आईलिड पे ना ये लाइट पिंक शेड लेके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है क्रीज लाइन में एंड पूरी आईलिड पे ये अप्लाई किया है। देन ये ऑरेंज काइंड ऑफ शिमरी शेड था, तो इसे मैंने सिर्फ अपनी आईलिड पे थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है फिंगर की हेल्प से ही। देन इसके बाद मैंने काजल अप्लाई किया है, तो काजल अपने हिसाब से थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, आपको पतला काजल लगाना थोड़ा बहुत पसंद है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन मैंने एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से जो अपना काजल है ना उसे थोड़ा सा स्मच कर लिया है ताकि ये बाद में फैले ना, तो थोड़ा सा स्मच कर लो तो अच्छा लगने लगता है लुक। तो यहाँ हमारा आई लुक कंप्लीट होता है एंड बस सिंपल सा आई लुक किया है मैंने यहाँ पे। तो इस लुक को और भी ज़्यादा नेचुरल रखने के लिए मैं ना ब्लश की जगह पे भी ना लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ, तो इससे और भी ज़्यादा नेचुरल लुक आएगा। सो मैंने लिपस्टिक ये है लैरी रोडा के लिए, बहुत अच्छा शेड है, इससे मैंने जहाँ पर भी मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ ना तो वहाँ पे अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है एंड फिंगर से ही इसे ब्लेंड कर लेना है। लिपस्टिक है, क्रीमी लिपस्टिक है, तो बहुत आसानी से इजीली ब्लेंड हो जाएगी। तो सिंपल सा इसे मैंने रखा है, इस तरीके से मैंने इसे ब्लेंड किया है। यदि आप ब्लश लगाना चाहो तो ब्लश का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ सेम लिपस्टिक को ही ना मैंने लिप्स पर भी अप्लाई किया है, तो आप अपनी पसंद की कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, लिक्विड लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक, जो आप पसंद करते हो। तो लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड देन डन, हाइलाइटर बस अप्लाई किया है। सो गाइस हाइलाइटर ने मैंने पे स्विस ब्यूटी का यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। सो अपने फेस को मैं अच्छे से हाइलाइट कर लूँगी, चीक्स को, नोज़ को एंड डन। मैंने यहाँ पे कोई भी मस्कारा या आईलाइनर वगैरह यूज़ नहीं किया, बहुत नेचुरल रखा है, बहुत सिंपल सा लुक रखा है। सो इसे कोई भी क्रिएट कर सकता है एंड लास्टली आप अपने फेस को एक फेस सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, मुझे तो अपना फेस वैसे भी वॉश करना है तो मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई किया है। सो आप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल लुक। So guys, if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel and hit that bell icon so you will get notification on time. So, milte hain next video mein. Till then, take care. Bye-bye.